दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जानेंगे किसी भी इन्वर्टर के साथ किसी भी आरसीसीबी ईएलसीबी या आरसीबीओ कैसे लगाते हैं, इसकी कनेक्शन वायरिंग कैसे करते हैं। जब भी किसी इन्वर्टर पे हम आरसीसीबी या आरसीबीओ या ईएलसीबी लगाते हैं तो बार बार ट्रिप करता है, तो इसकी कनेक्शन सही प्रॉपर तरह से कैसे करें कि ये ट्रिप नहीं करे और सेपरेट हम लगा सकें इन्वर्टर पे और ये प्रॉपर तरह से काम करे। चाहे इन्वर्टर किसी भी कंपनी का हो, चाहे नॉर्मल इन्वर्टर हो या सोलर सिस्टम का इन्वर्टर हो, सब पे आप ईएलसीबी आरसीसीबी आरसीबीओ लगा सकते हैं और ये ट्रिप नहीं करेगा। पर ये कैसे काम करता है आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ए टू जेड कंप्लीट पूरा जरूर देखिए। तो जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक इन्वर्टर है। इन्वर्टर आपका कोई सा भी हो सकता है, नॉर्मल इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर, कुछ भी हो सकता है किसी भी कंपनी का। यहाँ पे कुछ बोर्ड है और यहाँ पे हमारा ये आरसीसीबी है, एक आरसीबीओ है। आरसीबीओ में आपका एमसीबी प्लस आरसीसीबी दोनों होता है। चाहे आप आरसीबीओ लगाए, ईएलसीबी आरसीसीबी लगाए, कनेक्शन सेम होता है। बस यहाँ पे आपको समझना है कि काम कैसे करता है, कनेक्शन कैसे करना है। हम फिलहाल इसे रखते हैं साइड में और इस वीडियो के अंदर इसे हम आरसीसीबी बोलेंगे। चाहे आरसीबीओ लगाए या कुछ भी लगाए, बस आपको समझना है जब आरसीसीबी बोल रहे हैं यानी इसके जगह पे आप जो लगाना चाहते हैं वो डिवाइस लगाइए, चाहे आरसीबीओ हो, ईएलसीबी आरसीसीबी हो। नॉर्मली आपके घर के अंदर वायरिंग कैसे होता है, इस पॉइंट को सबसे पहले समझना है। जो लोग कनेक्शन करते हैं और बार बार ट्रिप होता है और परेशान होते हैं कि हमारा आरसीसीबी काम नहीं कर रहा है, उस चीज को समझना है। ये मेन लाइन वायर है, फेज है रेड और ब्लैक न्यूट्रल है। ये आपके मेन बोर्ड से आ रहा है और यहीं पे लूपिंग करके एक बोर्ड के अंदर हमने दिया है और यहीं से ये वायर जोड़ करके यहाँ पे आरसीसीबी लगाए हैं और यहीं से इस बोर्ड के अंदर कनेक्शन किए हैं और इससे हम इन्वर्टर को चार्ज कर रहे हैं। सेपरेट ये लगा रहे हैं ताकि इन्वर्टर के अंदर जो लाइन हमारा जाए वो आरसीसीबी थ्रू के जाए, ताकि किसी भी तरह का फॉल्ट हो तो ये ट्रिप करे, या आउटपुट अगर लाइन होता है इन्वर्टर से तो किसी भी तरह का लीकेज होता है तो हमें ये प्रोटेक्शन दे, बचाव दे। नॉर्मली ये होता है। एक होता है कि ये आरसीसीबी इन्वर्टर के आउटपुट पे लगाया जाता है, वो भी हम आपको बताएंगे करना क्या है। तो ये इनपुट पे सबसे पहले समझ लेना है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो वायर है, यहां से हम जो लूप किए हैं ना, ये हो सकता है एमसीबी बॉक्स से आपका सेपरेट एमसीबी लगा करके किसी बोर्ड के अंदर जा रहा है। चाहे सेपरेट एमसीबी लगाकर एक बोर्ड, दो बोर्ड, दस बोर्ड के अंदर जाए या एक बोर्ड के अंदर आए, या एमसीबी नहीं लगाया है जोड़ करके आए, पर काम तो सब करता है, लाइन सब पास करता है ना। प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी लगाते हैं, पर एमसीबी लगा हो या नहीं लगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ये ट्रिपिंग प्रॉब्लम है वो आएगा और कैसे नहीं आएगा उस चीज को यहाँ पे समझ लेना है। तो नॉर्मली यहाँ पे हो गया, यहाँ पे न्यूट्रल फेज आया, यहाँ पे इसके थ्रू आया इस बोर्ड में, इस बोर्ड से जा रहा है हमारा चार्जिंग। अब यहां से ये दो वायर आ रहा है, चाहे एमसीबी से आए या डायरेक्ट इस तरह से आ रहा है इस बोर्ड के अंदर। अब बोर्ड के अंदर यहाँ पे एक ये वायर है, ये इन्वर्टर का वायर है, ब्लैक आपका रेड ये जो है ये फेज है, ब्लैक आपका न्यूट्रल है। एक बॉडी अर्थ होता है ग्रीन कलर का, सेफ्टी के लिए यहाँ पे कनेक्शन किया जाता है, वो नहीं इसके अंदर हम लाए हैं ताकि थोड़ा वायर ज्यादा होगा तो बहुत से लोगों को समझने में प्रॉब्लम होती है। पर बॉडी अर्थ की वायरिंग आपको करना है घर के अंदर, सेफ्टी के लिए, बचाव के लिए होता है, वो जरूरी होता है, बहुत सारा वीडियो में हमने बताया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको कनेक्शन समझना है। चलिए हम कनेक्शन यहाँ पे समझाते हैं। नॉर्मली जो बोर्ड के अंदर कनेक्शन होता है उस चीज को आपको समझ लेना है। तो यहाँ पे क्या किए हैं उस चीज को समझिए। जो आपका मेन जो ये है आपका न्यूट्रल, वो न्यूट्रल और इस बल्ब का न्यूट्रल दोनों आपस में जोड़ करके सॉकेट के अंदर दे दिए। तो सॉकेट में हमारा क्या हुआ, यहाँ पे न्यूट्रल आ गया और इस बल्ब में लूप करके हमारा न्यूट्रल लाइन चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो फेज है वो इस स्विच में दिया और स्विच के थ्रू आ गया इस सॉकेट में। आपका हो सकता है कोई पॉइंट भी रहता है, यहाँ पे सॉकेट है और एक स्विच है, इसके अंदर इस बल्ब का एक वायर है और ये इन्वर्टर का वायर है, जो इस बल्ब का कनेक्शन हम क्या कर दिए, आपके इन्वर्टर से कनेक्शन हम कर दिए, ठीक है। अब यहां पे आपका दो पॉइंट हुआ, कैसे, एक बल्ब के लिए हमने लगाया है स्विच
और एक स्विच से हम इस सॉकेट, हो सकता है आपका दो बल्ब हो सकता है आपका इस दो स्विच के जगह पे 10 स्विच हो, बोर्ड में ज्यादा पॉइंट हो, कुछ पॉइंट हमने इन्वर्टर से कनेक्शन किया है, कुछ पॉइंट मेन लाइन से किया है, पर यहाँ पे जो समझना है वो पॉइंट ये है कि ये ट्रिप क्यों करता है। नॉर्मली लोग एक ही वायर की वायरिंग करते हैं, जैसे ये जो वायर है ये नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा इन्वर्टर है इसके बैक साइड यहाँ पे आउटपुट फेच कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वायर, ये प्लग आप लगा लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, हम वायर को डाले हैं यहाँ पे, डाल रहे हैं इस तरह समझाने के लिए, एक वायर यहाँ से आउटपुट कर लिए। अब यहाँ पे चलिए हम आपको चेक करके दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कर लिए इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे इस RCCB को ऑन करे या ऑफ करे, ये तो जो सर्किट का वायर है ये डायरेक्ट आ रहा है, जैसे ये मेन लाइन का है तो ये बल्ब चलेगा क्योंकि इसके थ्रू कनेक्शन नहीं है, ठीक है। अब यहां पे हम इसे ऑन करते हैं और इसे भी ऑन कर देते हैं, ये चला गया, इन्वर्टर हमारा चार्ज हो रहा है और यहाँ पे आउटपुट भी हो रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पे इसे हम ऑफ करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसे हम ऑन करते हैं, ये हमारा नहीं जलेगा क्योंकि इन्वर्टर ऑफ है, इसे हम ऑन करते हैं। देखिए यहाँ पे ये बल्ब नहीं जला, क्यों नहीं जला आपको ये भी समझना है, क्योंकि इसके प्लग के थ्रू ये मिलेगा इधर से न्यूट्रल, तब जलेगा, ऐसे नहीं जलेगा। अब यहाँ पे हम इसे ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा। एग्जाम्पल हम फिलहाल इसे ऑफ करते हैं और इसे ऑन करते हैं और इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसे हम ऑन करते हैं, ये ट्रिप कर गया, क्योंकि किसी भी RCCB को लीकेज मिलता है तो वो काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसको फेज तो इसके आउटपुट से मिल रहा है पर न्यूट्रल इसके इनपुट से मिल रहा है, इसलिए ये ट्रिप कर जाता है। लोग अक्सर यही गलती करते हैं। अब यहां पे समझना ये है कि ये ट्रिप कैसे नहीं करेगा। सबसे पहले इन्वर्टर के जो आउटपुट है, इस स्विच को हम ऑफ करते हैं, आउटपुट से एक वायर लिया है ना, ये एक वायर से चलेगा ही नहीं, दो वायर आपको लगाना ही होगा। कैसे? जैसे यहां पे हम क्या करते हैं, इस वायर को हटा देते हैं और यहां पे एक बोर्ड है, बोर्ड को सबसे पहले डालते हैं फिर उसके बाद बताएंगे इस बोर्ड के अंदर कैसे कनेक्शन करेंगे। इसको इसके अंदर हम डाल दिए और यहां पे हम क्या करेंगे, इस बल्ब का वायर इसके अंदर डाल देते हैं और उसके बाद इसे हम चालू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वायर लूज है, चलिए इसके अंदर हम टाइट कर देते हैं क्योंकि प्लग इसीलिए लगाया जाता है ताकि ये लूज वाला समस्या जो है नहीं आए, ठीक है। यहाँ पे बल्ब जल रहा है, अब यहाँ पे ये ऑन नहीं है या ऑफ है, तो इन्वर्टर से चल रहा है तो किसी तरह का प्रोटेक्शन आपको नहीं देगा RCCB। अब इसके आउटपुट से आपको चाहिए तो इसे लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो हमेशा ध्यान रहे कि दोनों वायर आउटपुट होना चाहिए। ये एक सिंपल बात है कि इनपुट हो या आउटपुट हो, न्यूट्रल फेज इसी के थ्रू इनपुट होगा और इसी के थ्रू आउटपुट होगा। अब एक पॉइंट और हम आपको यहाँ पे समझाना चाहते हैं, वो ये कि दो वायर तो एक बोर्ड है हमारा, ये सिंपल एक सॉकेट का, तो इसके अंदर से हम निकाल दिए। इस तरह के बोर्ड के लिए क्या करें, ये सवाल आता है ना। चलिए यहां पे हम क्या करते हैं, इस बोर्ड को हम हटा देते हैं आपका सेपरेट, या तो आप किसी बोर्ड के अंदर न्यूट्रल फेज सब कनेक्शन कीजिए किसी बोर्ड के अंदर, या किसी बोर्ड के अंदर आपको इन्वर्टर भी कनेक्शन करना है और मेन भी करना है, वो हम आपको समझा रहे हैं। यहां पे इस बोर्ड का कोई भूमिका अब नहीं है, बस इसके अंदर से ब्लैक कलर का वायर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब बस करना क्या होगा, इस वायर को आपको यहां पे ये वायर हम खोलेंगे, इस सॉकेट का कनेक्शन जो है इसके अंदर हमें मेन लाइन से ही करना है। एक चीज ध्यान रहे, इसके अंदर लाइन है पर कुछ सेफ्टी होता है, लाइन नहीं मारता है, उसे हमें नॉलेज है तो हम कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर लाइन हमारा चालू है, ठीक है। इसके अंदर हम इस तरह से डाल दिए और यहां पे इस तरह से हम कनेक्शन कर लिए, तो ये मेन लाइन से तो ये हो गया।
इस बल्ब के लिए न्यूट्रल हमें सेपरेट निकालना होगा, ठीक है। जैसे यहां पे ये जोड़ लिए, अब यहां पे ये तो इस बल्ब का हो गया न्यूट्रल और ये फ्यूज हो गया सेपरेट। अब क्या करते हैं, इसे हम डालते हैं इन्वर्टर के बैक साइड, यहां पे हम डालते हैं। अब ये काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे हम आरसीसीबी को ऑन करें। देखिए ये बल्ब पे फ्लक्चुएशन देखिएगा क्या, कि यहां पे जैसे ये ऑफ करते हैं, ये फ्लक्चुएशन इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्वर्टर का अपना अलग पावर होता है और मेन लाइन का अलग अपना पावर होता है, थोड़ा बहुत वोल्टेज का डिफरेंस होता है। तो यहां पे थोड़ा सा आप नोटिस कर सकते हैं, जैसे ऑन कर रहे हैं देखिए थोड़ा सा कट से भी करेगा, इन्वर्टर आवाज करता है और काम करता है, बहुत सारा इन्वर्टर जो है वो सीटी भी देता है। तो यहां पे बस ये ध्यान रहे कि जो आउटपुट कनेक्शन है ना इन्वर्टर से, वो आपको दो वायर करना होगा। आप कहीं से भी चाहते हैं कि इसके एक इनपुट से हम ले ले किसी न्यूट्रल को या फेज को और उसके बाद इसके इनपुट से ले ले तो काम कर जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग ये भी सोचेंगे कि ये इन्वर्टर का जो आउटपुट न्यूट्रल है ना, इस न्यूट्रल का वायर निकालते हैं और इधर जो है ना इसके साथ जोड़ देते हैं, काम करेगा नहीं करेगा, उस समय भी ये ट्रिप करेगा, ये भी ध्यान रहे। तो बहुत सारा मैंने व्हाट्सएप पे लोगों को बताया कि बस आपको करना ये है कि इन्वर्टर का दो वायर का वायरिंग कीजिए, पर फिर भी बार बार आ रहा था, बहुत से लोग कह रहे थे कि नहीं काम कर रहा है, परेशानी आ रही है। तो यही परेशानी है, सिंपल आपको समझना है कि जो इन्वर्टर के आउटपुट से वायर जाएगा, दो वायर जाएगा आपके आउटपुट में, अगर आप लगाना चाहते हैं तो आउटपुट में आप आरसीसी भी लगाइए, या इनपुट में लगाना चाहते हैं तो इनपुट में लगाइए, लेकिन आउटपुट से आपको दो वायर ही यूज करना है। अब यहाँ पे बहुत से लोग सोचेंगे हमें कितना आरसीसी भी लगाना है। देखिए एक अगर यहाँ लगाते हैं मेन में, तो आपके चार्जिंग और जब तक लाइन रहेगा, और लाइन रहेगा तो उस समय इससे आउटपुट लाइन ही होगा, तो उस समय ये प्रोटेक्शन काम करता है। आप चाहते हैं नहीं, जब लाइन नहीं रहे तब ये काम करे, तो इसके आउटपुट में लगाएंगे, तब फिर इसके अंदर का फॉल्ट को ये नहीं प्रोटेक्शन देगा। लेकिन एमसीबी आप लगा सकते हैं, इसके आउटपुट में लगाइए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी इन्वर्टर के साथ आरसीसीबी, ईएलसीबी या आरसीबीओ कैसे लगाते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।